स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अयोध्या में राम राम। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हैं। 22 जनवरी से पहले अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है, साथ ही मंदिर निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। भगवान का आसन तैयार है और अब रामलला की मूर्ति को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि रामलला की नई मूर्ति अयोध्या में ही बन रही है और 3 लोग इस काम में लगे हुए हैं। चंपत राय ने यह भी बताया कि जिसने पहले 50-100 मूर्तियां बनाई हैं, उनको ही प्रभु राम की मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया है। चंपत राय ने यह साफ किया है कि मंदिर में किसकी बनाई हुई मूर्ति लगेगी, उसकी भी पूरी जानकारी देश की जनता को दी जाएगी। रामलला की नई प्रतिमा अयोध्या में बन रही है, इतना पर्याप्त है। 3 लोग बना रहे हैं, कौन लोग बना रहे हैं ये बात मैं पहले कई बार कह चुका हूं, बार बार दोहराने की कोई जरूरत नहीं, पुराना इतिहास ढूंढो। मूर्ति वही बनाएगा जो उसका तज्ञ है, जिसने 150 मूर्तियां पहले बनाई होंगी। अब मैं सबसे अंत में ही बताऊंगा कि प्रतिमा किसने बनाई, उसका फोटो भी आएगा, जल्दी न की जाए। और चंपत राय ने यह भरोसा भी जताया कि अयोध्या में सारे काम तय वक्त पर हो रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सभी बेहद उत्साहित हैं। मंदिर निर्माण के लिए 500 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा, लंबा संघर्ष हुआ, इस दौर में कई सियासी उतार चढ़ाव भी आए। भगवान राम को लेकर कैसे राजनीति हावी रही, इससे जुड़ी हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। श्री राम भद्राय नमः, रामाय राम भद्राय, श्री रामचंद्राय वेधसे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे साथ जोर से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं, समाज में सब लोगों को अपनाने वाले भगवान राम। धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है, धर्म राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं। मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः गणपत्याद्या वाहित गणपत्यादि पूजित देवताभ्यो नमः। मोदी जी ने 2019 में इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को मोदी जी इसका प्राण प्रतिष्ठा करने वाले। भारतीय राजनीति में धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता रहा है और इसमें भगवान श्री राम का नाम एक अहम हिस्सा रहा है, और यही वजह है कि भारत की राजनीति की जब चर्चा होती है तो भगवान श्री राम का नाम ज़रूर आ जाता है। और लगभग लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने अंदाज में अपने अपने नफा नुकसान को देखते हुए भगवान श्री राम के नाम का प्रयोग किया। आखिर कैसे सियासी दलों ने राम के नाम की जाप की, आपको यह जानना भी जरूरी है। क्या आजादी के पहले से ही यानी मुगल काल और अंग्रेजों के जमाने से अयोध्या में रामलला को लेकर हिंदुओं की आस्था का अनादर किया जाता रहा? 1949 में पहली बार इस बात का जिक्र हुआ कि अयोध्या में राम जन्मभूमि वाली जगह पर रामलला की मूर्ति है। राम भक्तों ने
यहां पूजा अर्चना भी शुरू कर दी। लेकिन तत्कालीन सरकार ने यहां परिसर में ताला जड़ दिया। हालांकि मामला इससे पहले ही अदालत जा पहुंचा था। इस बीच कई वर्षों बाद भी अयोध्या में रामलला के मंदिर को लेकर किसी ने सुध नहीं ली। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद से ही अयोध्या और राम के इर्द गिर्द राजनीति घूमने लगी। लोग ये कहने लगे कि अब अयोध्या से एक नई राजनीति की शुरुआत हो रही है जो देश को एक नई दिशा दिखाएगी। हालांकि अयोध्या के लोगों का यह मानना है कि राम सभी के हैं। भगवान राम तो जन जन के हैं और हमारे देश में जो मोदी जी और योगी जो कर गए हैं और जो कर रहे हैं वो कोई आज तक ने किया है ना कोई कर सकता है। राम की पूरक राजनीति ही नहीं पूरी दुनिया है। राजनीति का विषय राम नहीं हो सकते हैं और कोई भी राम के नाम पर राजनीति करता है तो मुझे लगता है कि ये उसकी ओछी मानसिकता है। मोदी जी ने और योगी जी ने राजनीति को एक दरकिनार करते हुए ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि आज की डेट में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो अयोध्या आया नहीं, जो आना नहीं चाहता है। कोई प्रत्यक्ष रूप में आना चाहता है, कोई अप्रत्यक्ष रूप में आना चाहता है। जब भी चर्चा होगी भारत के, स्वतंत्र भारत की सबसे कठिन समस्याओं को मोदी जी ने उस समस्या का हल किया है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन राजनीति में मेरे राम तेरे राम भी होता रहा। कांग्रेस जहां ये दावा लगातार करती रही है कि राजीव गांधी सरकार के वक्त कांग्रेस सरकार ने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाकर पूजा पाठ करने का रास्ता साफ किया, वहीं बीजेपी ने बदलते वक्त के साथ श्री राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर निर्माण कराने के लिए चुनावी बिगुल भी फूंका। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली और इस रथ यात्रा का मकसद था राम मंदिर आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना। और इस यात्रा के निकलते ही पूरे देश का माहौल राममय हो गया। लेकिन इस यात्रा को बिहार में रोक दिया गया और उस समय मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, और उसके बाद से ही आर पार की राजनीति शुरू हो गई। मामला इतना आगे निकल गया कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी देश भर में राम भक्तों के बीच सबसे लोकप्रिय नेता हो गए। इस बीच कार सेवकों ने अयोध्या की ओर बढ़ना शुरू किया, बाबरी ढांचा भी ढह गया। पूरे देश में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण का ये उत्साह अभूतपूर्व था। हर कोई अपने राम लला को विराजमान देखना चाहता था। दूसरी ओर बीजेपी के लिए राम मंदिर निर्माण का मुद्दा आस्था के साथ साथ चुनावी भी हो गया। बीजेपी ने साल 1998 के अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट किया कि बीजेपी ने राम जन्मभूमि आंदोलन में हिस्सा अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए लिया था। बीजेपी अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री राम भारतीय चेतना के मूल में है। बीजेपी अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी सहमतिपूर्ण कानूनी और संवैधानिक तरीकों पर काम करेगी। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन अपने उफान पर था और ये वो दशक था जब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी धीरे धीरे शिखर की ओर बढ़ती जा रही थी। 1991 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया कि इतिहास की गलतियों को प्रतीकात्मक रूप में सुधार कर ही राम जन्मभूमि को मुक्त कराया जाएगा, ताकि सौहार्द कायम किया जा सके और राम मंदिर का निर्माण कराया जा सके। यूं तो राम हर हिंदू के रोम रोम में रचते हैं बसते हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में राम का नाम आया तो चुनावों की धार भी बदलने लगी। जय श्री राम। जाहिर है राजनीतिक भाषणों और अभियानों में राम और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की मांग जोर पकड़ने लगी। केंद्र और राज्य सरकारें बदलती रही, चुनाव आते जाते रहे, लेकिन राम मंदिर निर्माण के लिए राम भक्त टकटकी लगाए रहे। बीजेपी ने एक बार फिर 2014 के अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर को लेकर स्पष्ट किया कि बीजेपी अपना रुख दोहराती है। संविधान के दायरे में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं को तलाशा जाए। इस बीच अदालती लड़ाई सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर भी लड़ी जाती रही। 2019 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने फिर साफ किया कि राम मंदिर पर बीजेपी अपना रुख दोहराती है।
संविधान के दायरे में शीघ्र राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं को तलाशा जाएगा और इसके लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी का एक स्वप्न रहा है और मिशन भी। मैं विनम्रता का अनुभव करता हूँ कि नियति ने मुझे वर्ष 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा का दायित्व प्रदान किया और इस यात्रा में ने असंख्य लोगों की आकांक्षा, ऊर्जा और अभिलाषा को प्रेरित किया। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि आखिरकार लंबी अदालती लड़ाई के बाद रामलला के मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का पूजन किया। जिसके बाद राम मंदिर निर्माण ने तेजी भी पकड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास के दौरान भगवान राम के महात्म को समझाया। श्री रामचंद्र को तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदस्य और यश में इंद्र के समान माना गया है। श्री राम का चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अड़िग रहना। इसलिए ही श्री राम संपूर्ण है, इसलिए ही वो हजारों वर्षों से भारत के लिए प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। श्री राम ने सामाजिक समरसता को अपने शासन की आधारशिला बनाया था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान, केवट से प्रेम, सबरी से मातृत्व, हनुमान जी एवं वनवासी बंधुओं से सहयोग और प्रजा से विश्वास प्राप्त किया। यहां तक कि एक गिलहरी की महत्ता को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। शिलान्यास की तारीख से लेकर अब तक भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ देश के लगभग हर बड़े नेता राम राम करने लगे हैं। यानी राम अब अयोध्या से निकलकर देश भर के राजनेताओं के भी आराध्य बन गए हैं। हालांकि राजनीति भी उतनी ही तेजी से शुरू हो गई। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद समेत कई नेता भूमि पूजन के आयोजन पर सवाल उठाते रहे। जबकि एक ट्वीट बयान में प्रियंका गांधी कहती हैं कि सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता, दीन बंधु राम नाम का सार है। राम सब में है, राम सबके साथ है। भगवान राम और माता सीता के संदेश और उनकी कृपा के साथ रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने। 70 ईयर से राम मंदिर को अटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया और 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। भगवान श्री राम के जीवन को अगर हम पढ़ें तो हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि ही आपको देखने को मिलेगी। भगवान श्री राम ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया, आदर्श सिखाया और इसी चीजों को लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं और अयोध्या आज भी भगवान श्री राम के आदर्शों का पालन करती है। लेकिन राजनीति की जब बात की जाती है तो कई नेता भगवान श्री राम की मर्यादा और आदर्शों को भूल जाते हैं और लगातार अपने बयानों से उन आदर्शों और मर्यादा को तार तार करते आए।
राम की शरण में कई राजनीतिक दल अयोध्या में रामलला के दर्शन करने भी पहुंचे और सत्ता में वापसी को लेकर आस लगाए रहे। नहीं, अभी शिवसेना पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जब अयोध्या में जाकर रामलला का दर्शन लेंगे और मुझे लगता है उसके बाद राम मंदिर निर्माण का जो कार्य है उसको गति मिलेगी। धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है, धर्म राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। और ये हम धर्म को राजनीतिक मंच में लाएं, ये मैं सोचता हूँ धर्म का अपमान है। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारी खुद की आस्था का विषय है। पूरा शिवसेना परिवार यहाँ आया है, हजारों की तादाद में यहाँ आया है, संख्या काफी बड़ी है, ट्रेनें भरकर आई है, प्लेन्स है, गाड़ी से लोग आए हैं, यही करने की रामलला का दर्शन लेना है। जबकि कुछ नेताओं ने राजनीतिक नफे को आधार बनाकर भी बयान गढ़ने शुरू कर दिए। कहा जा रहा है कि रामचरितमानस को मुद्दा बनाकर हिंदुओं को बांटने की योजना शुरू की गई है। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है उसमें कुछ अंश ऐसे हैं जिसमें जाति वर्ग विशेष को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां की है। उन आपत्तिजनक तथ्यों को तुलसीदास जी की रामायण से जो ऐसे अवसर आए हैं, ऐसे चौपाई के अंश, उनको प्रतिबंधित कर दिया जाए। यानी राजनीतिक हथियार के तौर पर राम को राजनीति में घसीटने की कोशिश अक्सर बनी रही है। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो। इस बीच अयोध्या में राम नगरी में दीपोत्सव नए नए कीर्तिमान बना रहा है। अयोध्या वासियों को मैं एक बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यों के लिए अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाने के लिए जिसका स्वरूप उभर रहा होगा, जिसका एक झलक आप देख रहे होंगे, और पिछले 6 बार के दीपोत्सव के कार्यक्रम का परिणाम आज आपको अयोध्या में इस विकास के इस मूर्त स्वरूप को और भगवान राम के इस भव्य मंदिर को देख करके भी एहसास हो रहा होगा। हमारे पूर्वजों ने दीप प्रज्वलन और दीप दान की महत्ता को वैसे ही नहीं रेखांकित किया है, इसके आध्यात्मिक, इसके भौतिक महत्व भी है, इसके आदिदैविक महत्व भी है, और इन सभी महत्वों को रेखांकित करने के लिए ही हमारे यहाँ इसको एक धार्मिक कर्मकांड के साथ और आयोजनों के साथ जोड़ा गया और उसके परिणाम आज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक दिलचस्प किस्सा राजनीति में आया राम गया राम से भी जुड़ा है। दरअसल आया राम गया राम वाक्य के लोकप्रिय जुमला बन जाने की बड़ी दिलचस्प कहानी है। आया राम गया राम का किस्सा शुरू हुआ साल 1967 में, जब इस वाक्य को अमर कर देने वाले शख्स गया लाल विधायक थे। गया लाल हरियाणा के पलवल जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे और समय समय पर पार्टी बदलते रहे, इसलिए गया लाल को लेकर गया राम और आया राम कहकर चुटकी ली जाने लगी। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि एक बार रामलला अपने मूल स्थान पर विराजमान हो जाए, राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाए, तो इसके बाद जनता विपक्ष की राम के नाम पर राजनीति को ठुकरा देगी, क्योंकि अब देश में राम राज्य की स्थापना भी होनी है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव सिर पर है, बीजेपी राम मंदिर निर्माण का अपना प्रण पूरा कर रही है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब भी राजनीतिक दलों में भविष्य की राजनीति राम पर टिकी हुई दिखती है। बीजेपी के लिए राम मंदिर का मुद्दा राजनीतिक और भावनात्मक दोनों ही रहा है। यही वजह है कि 2024 में प्रभु श्री राम की उनके स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी को आश्वस्त करती है कि स्वाभाविक तौर पर उसके पक्ष में वोट भी पड़ेंगे। राम राजनीति से ऊपर है, राम सभी के हैं, राम कण कण में है, और इसीलिए आज देखिए जब हमने आपको ये कार्यक्रम दिखाया तो अयोध्या की जनता ने बताया कि कैसे वो राम को देखते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम का अपना एक आदर्श है, जिनके आदर्शों से हम सब कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फिलहाल अयोध्या में राम राम कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। आप रोज रात 10 बजे मेरे साथ अयोध्या ग्राउंड जीरो से देखिए अयोध्या में राम राम, सिर्फ Zee News पर।
राम अजर है, राम अमर है, राम कणकण में है, राम आस्था है और राम विश्वास है। प्रभु राम को लेकर राजनीति का इतिहास और वर्तमान आपने देखा। अब आपको जनकपुर लिए चलते हैं, जहां विवाह पंचमी महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। राम सीता विवाह उत्सव के पांचवें दिन जनकपुर धाम में मटकोर उत्सव धूमधाम से मनाया गया। नेपाल के पंचम बाजा के साथ जानकी मंदिर से गंगा सागर तक बड़ी संख्या में भक्तों ने यात्रा निकाली। इस दौरान मिथिला संस्कृति और परंपरा का पूरा पालन किया गया। मान्यता यह है कि स्वयंवर से पहले माता सीता ने गंगा सागर तालाब पर मटकोर पूजन किया और पवित्र मिट्टी को अपने हाथों से खोद कर निकाला। इसी मिट्टी से वेदी का निर्माण किया गया और आज भी वही परंपरा निभाई जा रही है। ये आपको दिखाना चाहेंगे कि सीता को अब जानकी मंदिर से लाया गया है गंगा सागर जो तालाब है वहां पर। यही मटकोर कार्यक्रम होगा और मटकोर कार्यक्रम के समाप्ति के अगले दिन सीता स्वयंवर होता है। आप देख लीजिए, सीता और जो जानकी मंदिर की महंत की पत्नी है वो रहती हैं इसमें, जिन्हें सीता की माँ की उपाधि दी जाती है। और तमाम सुरक्षाओं के बीच ये पूरे आप देखेंगे कि नेपाल प्रहरी के लोग हैं, बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हैं और ये तमाम सुरक्षा देते हैं। और मटकोर की ये विधि गंगा सागर तालाब में पूरी की जाती है। और आज का दिन इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, मिथिला के परंपरा में कहा यह जाता है कि आज जब गंगा सागर तालाब से मिट्टी ले ली जाएगी उसके बाद ही वेदी का निर्माण होगा और सीता स्वयंवर की विधि पूरी की जा सकेगी। कैमरामैन शाहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, जनकपुर, नेपाल। News.